फ्रेंड्स, मैं अनुभा, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बताने जा रही हूं कि आसान तरीके से बेस्ट दही बड़े कैसे बनाएं, जिससे बहुत सॉफ्ट और स्पंजी दही बड़े बनेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दही बड़े बनाने के लिए ये देखिए, मैंने उड़द दाल ली है और मूंग दाल ली है, दोनों धुली हुई दाल है। इसको मैंने एक कटोरी उड़द दाल ली है और उसका हाफ यानी आधा कटोरी मूंग दाल ली है। दोनों को मिक्स करके हमने बाउल में डाल दिया है। ये दोनों दाल मिक्स करने से दही बड़े बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनते हैं, इसलिए मैंने दोनों दाल का यूज़ किया है। यदि आपको पसंद नहीं हो तो आप सिर्फ उड़द दाल के दही बड़े भी बना सकते हैं। इसको हम दो बार मैंने पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लिया है दाल को। ये देखिए, पानी को से वॉश कर लिया है दाल को। अब हम इसको काफ़ी सारा पानी इसमें डाल के मैं दाल को 5 घंटे के लिए भिगा के रख दे रही हूँ, जिससे कि दाल फूल जाएगी। चार पाँच घंटे में दाल अच्छे से फूल जाती है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी भिगा के इसको रख सकते हैं। ये देखिए, 5-6 घंटे हो गए हैं। अब हम इससे दही बड़े बनाएंगे। दाल एकदम फूल के अच्छी फूल गई है। अब मैं इसको छन्नी में डाल रही हूँ, छन्नी में, जिससे कि इसका एक्सेस वाटर निकल जाएगा। और अब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। छन्नी में मैंने इसलिए डाला है ताकि पानी ना रहे, क्योंकि यदि पानी रहेगा तो दाल हमारे गीली, इसका जो पेस्ट बनेगा वो काफ़ी गीला हो जाएगा और अब हमें दही बड़े बनाने में बहुत परेशानी होगी। ये देखिए, मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है और इसको पेस्ट बना लिया है ग्राइंड करके। हमारा पेस्ट रेडी है। हमें बारीक पेस्ट ही बनाना है इसका ग्राइंड करके। यदि आपको ज़रूरत हो थोड़ा तो फिर इसमें पानी डालिए मिक्सर चलाते समय। ये देखिए, पेस्ट रेडी है। अब मैं इसमें ये जो इंग्रेडिएंट्स कुछ डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्च ली है, ये थोड़ी सी मैंने हींग डाली है चुटकी भर, इससे हमारे दही बड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। हरी मिर्च को बारीक काट लिया था, उसको डाला है। अदरक मैंने बहुत बारीक काट टुकड़ों में काट लिया था, उसका डाल दिया है। और ये थोड़ी सी किशमिश है वो डाली है। अब हम इसको जो दाल का पेस्ट है इसको अच्छे से फेटेंगे। हमें फेटते समय ये ध्यान रखना है कि हमें एक ही डायरेक्शन में इसको फेटना है, 5 से 10 मिनट हमको फेटना है। अब मैंने यह एक गैस में पानी रख दिया है पतीले में और उसमें 1 चम्मच नमक डाला है ताकि पानी गुनगुना हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने गैस में कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में दही बड़े तलने के लिए मैंने तेल डाल दिया है। और ये देखिए, करीब 5 मिनट तक मैंने दाल का जो पेस्ट है उसको फेंट लिया था, ये एकदम हल्का हो गया है। ये इस तरह हम टेस्ट करेंगे। एक कटोरी में पानी लेके उसमें थोड़ा सा दाल का पेस्ट डालने से वो एकदम ऊपर आ जाता है। इससे हमें पता चलेगा हमारी दाल अच्छी तरह से फिट गई है और बहुत हल्की हो गई है, जिससे कि दही बड़े बहुत सॉफ्ट और अच्छे हल्के बनेंगे। अब मैं ये तल रही हूँ। हमें मीडियम और लो, मीडियम से लो, लो फ्लेम में दही बड़े तलने हैं। बहुत हाई फ्लेम में दही बड़े नहीं तलने हैं, नहीं तो जो दही बड़े हैं वो सिर्फ बाहर बाहर ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से हार्ड रहेंगे और अंदर से अच्छे से नहीं पक पाएंगे। इसलिए प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखिए। सॉफ्ट दही बड़े बनाने के लिए हमें तलने में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, मैंने सब दही बड़े एक बार में 6-7 दही बड़े करीब तल रही हूँ मैं। ये पानी हाथ हथेली में थोड़ा सा पानी लगा के उसमें थोड़ा सा पेस्ट लेके उसको दबा के दही ये बड़े का शेप देने से बहुत अच्छे बड़े बन जाते हैं, मैंने आपको बताया अभी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेके तेल में डाल सकते हैं, या फिर उसको हथेली में लेके हथेली में थोड़ा सा पानी लगाइए और उसमें थोड़ा सा पेस्ट रख के उसको हल्का सा प्रेस करिए और फिर उसको उस दही बड़े का शेप बना के तेल में डालिए। इससे थोड़े चपटे दही बड़े बनते हैं और फिर वो बाद में तेल में जाने पे अच्छे से फूल जाते हैं।
ये देखिए, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा तेल उसके ऊपर डाल रही हूँ गोल वाली चम्मच से, जिससे कि दोनों तरफ से दही बड़े में अच्छे से आँच लगेगी, जिससे कि वो अच्छे फूलेंगे। देखिए दही बड़े कितने अच्छे फूल रहे हैं, एकदम गोल गोल हो गए हैं फूल के। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। अब मैं इसको पलट रही हूँ, क्योंकि हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के कर लेना है, बहुत डार्क नहीं करना है कलर। पलट दिया है मैंने, देखिए ये देखिए गोल्डन हो गया है कलर। अब मैं इसको निकाल कर ले रही हूँ प्लेट में, बड़ों को, बड़े एकदम रेडी हो गए हमारे, अच्छे फूल गए हैं। इस तरह बड़े फूल जाते हैं, इससे पता चलेगा कि फूलने से कि बड़े हमारे अच्छे सॉफ्ट बने हैं। और जो हमने पानी पतीले में गरम किया था, आधा पतीला करीब मैंने स्टील का बर्तन में कुनकुना पानी कर लिया था, और उसमें 1 चम्मच मैंने सॉल्ट डाला था, क्योंकि हमने दाल में नमक नहीं डाला है, इसलिए मैंने पानी में नमक डाला है। तो ये अब जब बड़े हमारे पानी अब्जॉर्व करेंगे तो उसमें नमक चला जाएगा। ये देखिए, और बाकी इसी तरह मैं दूसरे बड़े भी तल ले रही हूँ। इस बार मैं डायरेक्ट ही दाल डाल रही हूँ, देखिए आपको, थोड़ी थोड़ी दाल लेके डायरेक्ट डालते जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा बीच में आप हथेलियों को गीला करेंगे तो दाल चिपकेगी नहीं आपके हाथ में, और बड़े का अच्छा शेप आएगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए अब सारे बड़े मैंने तल के पतीले में पानी में डाल दिए हैं। इसको हमने करीब आधा घंटे के लिए, इसको बड़ों को पानी में ही, गुनगुने पानी में ही छोड़ देंगे। देखिए आधा घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़े एकदम पानी को एब्जॉर्ब करके, पानी सोख कर एकदम फूल जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं। अब हम ये बड़ों को निकालेंगे, देखिए कितना पानी भर गया, स्पॉन्जी हो गए हैं हमारे बड़े एकदम। इसको हल्के हाथों से प्रेस करके इसका थोड़ा पानी निकाल दीजिए। ये देखिए जिस तरह मैं प्रेस कर रही हूँ इसको, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से हल्का सा प्रेस करना है, थोड़ा पानी इसका निकाल देना है, देखिए इस तरह से कुछ। और इसको छन्नी में मैं डालते जा रही हूँ। कितने मस्त फूले फूले स्पॉन्जी सॉफ्ट बड़े तैयार हैं। अब हम इसका दही प्रिपेयर करते हैं। दही का मैंने 500 ग्राम अच्छा मलाई वाला मीठा दही लिया है, मतलब फ्रेश दही लिया है, खट्टा नहीं दही चाहिए इसके लिए। इसको मैं छन्नी से छान रही हूँ। दही छन्नी से छानने से एकदम क्रीमी टेक्सचर का हो जाता है, और दही बड़े में बहुत ही अच्छा लगता है। हमें दही बड़े के लिए क्रीमी टेक्सचर का ही दही चाहिए। देखिए छानने के बाद दही एकदम क्रीम जैसा हो गया, सॉफ्ट। इसमें मैं ये 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाल रही हूँ। आप बिना पिसी हुई शक्कर भी, नॉर्मल शक्कर भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला है। काला नमक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दही बड़े में। और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आपको जितने दही बड़े सर्व करने हैं, जितने उतने एक बाउल में रख लीजिए। ये देखिए मैंने 7-8 दही बड़े निकाल के बाउल में रखे हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने इसको बाउल में निकाल के, जो दही जिसमें हमने शक्कर और नमक डाला है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो चम्मच सब दही बड़ों के ऊपर डाल रही हूँ। अच्छे से दही अच्छे से डालें। दही आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं, मतलब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको पतला भी कर सकते हैं और थिक भी रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। ये देखिए दही डाल के, दही बड़ों को सबको अच्छे से दही से कवर कर लीजिए। अब दही तो अच्छा डालना ही पड़ेगा, क्योंकि दही बड़े हैं, दही अच्छा डालेंगे तभी बहुत स्वादिष्ट दही बड़े बनेंगे। अब इसको मैं ऊपर से, ये मैंने भुनी हुई, भुना हुआ जीरा पाउडर है, जीरे को हल्का सा भून के उसका पाउडर बना लिया था। अब ये थोड़ा थोड़ा सभी दही बड़ों के ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये लाल मिर्च पाउडर है, इसे भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, थोड़ा थोड़ा सभी के ऊपर पूरे।
अब मैं डालने वाली हूँ मीठी चटनी। मीठी चटनी से तो दही बनों का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी जो दही बड़े के स्वाद में बहुत, दही बड़े के स्वाद को बहुत ही कई गुना यानी 100 गुना बढ़ा देती है। ये मैंने थोड़ी थोड़ी सभी के ऊपर डाल दी है। और ये हरी धनिया की, मैंने हरी धनिया और पुदीने की हरी चटनी बनाई है, इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सभी के ऊपर डाल रही हूँ। अपने आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसका कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए हमारे दही बड़े एकदम रेडी हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। आप इस तरह से दही बड़े ज़रूर बनाइए। अब मैं आपको उसको प्लेट में निकाल के बताती हूँ कि कितने सॉफ्ट दही बड़े बने हैं हमारे। ये देखिए, इस तरह से आप थोड़े थोड़े दही बड़े जितने आपको सर्व करना है छोटी प्लेट में इसमें से सर्व करके दे सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको चम्मच से काट रही हूँ, एकदम इजीली ये टूट जा रहे हैं, एकदम मुंह में घुलने वाले बहुत ही स्वादिष्ट दही बड़े बने।